नमस्कार, हिंदुस्तान न्यूज डेली में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं जम्मू कश्मीर को लेकर विपक्ष के सवाल के बारे में, कैसा खतरा, क्यों बढ़ रही है सुरक्षा बलों की तैनाती जम्मू कश्मीर में। अमरनाथ यात्रियों और पर्यटकों से सुरक्षा को लेकर खतरे के मद्देनजर जम्मू कश्मीर से लौटने के लिए कहा गया है। सेना एवं सुरक्षा बलों ने आतंकी खतरे की आशंका जताई है। दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर के सुरक्षा बलों की तादाद बढ़ा दी गई है। इसको लेकर विपक्ष के नेता मोदी सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। कांग्रेस के महासचिव पीएल पुनिया ने कहा कि सरकार को सांसद में सारी जानकारी रखनी चाहिए कि वह जम्मू कश्मीर में क्या करने वाली है। बीजेपी के सांसद मीर फयाज ने कहा कि कश्मीर ट्रूप अभी क्यों भेजे जा रहे हैं, जबकि अनुच्छेद 35A का मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में है, उसे हटने नहीं देंगे। इस मौके पर कांग्रेस के महासचिव पीएल पुनिया ने जम्मू कश्मीर में आतंकी खतरे और सुरक्षा के हालात को लेकर अमरनाथ यात्रियों को सरकार की ओर से दी गई सलाह पर कहा कि जम्मू कश्मीर एक संवेदनशील राज्य है, सरकार को संसद में सारी जानकारी रखनी चाहिए, वह क्या करने वाली है, हजारों ट्रूप वहाँ क्यों भेजे जा रहे हैं, क्या आर्टिकल 35 एब्रोकेट करने की तैयारी है। उन्होंने कहा कि हम सोमवार को संसद में मांग करेंगे कि सरकार संसद में बयान दे। इस मौके पर पीडीपी के सांसद मीर फयाज ने जम्मू कश्मीर के हालात को लेकर अमरनाथ यात्रियों को जारी की सलाह पर कहा कि हमें समझ नहीं आ रहा कि कश्मीर ट्रूप अभी क्यों भेजे जा रहे हैं, अनुच्छेद 35A का मामला भी सुप्रीम कोर्ट में है, आर्टिकल 35A और आर्टिकल 370 को हटाना मामूली बात नहीं है, हम मरेंगे लेकिन उन्हें हटाने नहीं देंगे। ये सारे वाक्य इसलिए सामने आ रहे हैं क्योंकि जम्मू कश्मीर सरकार के गृह विभाग ने अमरनाथ यात्रियों और पर्यटकों से सुरक्षा को लेकर खतरे के मद्देनजर जम्मू कश्मीर से लौटने के लिए कहा है। सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि पाकिस्तान कश्मीर घाटी से अशांति फैलाने की लगातार कोशिश कर रहा है, इसके लिए सीमा पार से आतंकवादी घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे हैं। 15 कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल KGS ढिल्लन ने कहा कि इस तरह के इंटरनेशनल इनपुट्स मिले हैं कि आतंकी अमरनाथ यात्रा पर हमले की साजिश रच रहा है। अमरनाथ यात्रा को लेकर लेफ्टिनेंट जनरल KGS ढिल्लन ने संवाददाताओं से कहा कि पिछले 3-4 दिनों से बहुत ही स्पष्ट खुफिया जानकारी मिली है कि पाकिस्तानी सेना द्वारा संबंधित आतंकी अमरनाथ यात्रा बंद करने की फिराक में है। उसके आधार पर यात्रा के दोनों मार्ग दक्षिण की तरफ से पहलगाम वाले रास्ते और उत्तर की तरफ से बाटवाल वाले रास्ते पर सेना और CRPF की टीम को संयुक्त रूप से बार बार ये कहा जा रहा है, ये सवाल पूछा जा रहा है, क्या कश्मीर में कुछ बड़ा होने जा रहा है? देखिए एक चीज साफ है, कश्मीर में बड़े कदमों की जरूरत है। बड़े कदम क्या है? आतंकवाद को खत्म करना। बड़े कदम क्या है कश्मीर में? कि नॉर्मल सी लाना। बड़े कदम क्या है? कि जो पाकिस्तान का इंटरफेरेंस है उसका सर तोड़ देना। बड़ा कदम क्या है? जो भ्रष्टाचार है फाइनेंशियल, उसको तोड़ देना। जिस तरीके से जो बैंक के भ्रष्टाचार को लेके सरकार ने कदम उठाए हैं, उससे सहरन तो पैदा हुई है। जिन लोगों ने लाभ उठाया है गैरकानूनी तरीके से, जेल तो जानी पड़ेगी उनको। तो भाई अगर ये तमाम कड़े कदम उठाने हैं सरकार से, तो आपको थोड़ा बहुत सुरक्षा की व्यवस्था तो करनी पड़ेगी। लेकिन अगर हर चीज को हम 370 से जोड़ दें तो ये ठीक नहीं है। क्योंकि देखिए एक चीज हमको समझनी पड़ेगी, कश्मीर केवल हम उसको सिक्योरिटी के नजर से ना देखें, एक लार्जर नेशनल इश्यूज हैं जो कश्मीर से जुड़े हुए हैं, जिनका रेजोल्यूशन होना चाहिए देश के लिए। और उसके संदर्भ में मैं मानता हूं कि अगर सरकार कुछ कदम उठाती है तो उसमें क्या बुरा है। कहने का मतलब है कि अगर सरकार चाहती है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ कुछ बड़े लोग पकड़े जाएं और उसके लिए कुछ सुरक्षा के कदम मजबूत किए जाएं, तो उसमें गड़बड़ बात क्या है? कार्तिक, यहाँ पर सवाल ये भी उठता है, हमने लगातार बयानबाजी देखी, चाहे महबूबा मुफ्ती हूँ चाहे उमर अब्दुल्ला हूँ, बार बार आर्टिकल 35A को लेकर वो बात कर रहे हैं, क्या उससे भी जोड़कर देख सकते हैं? देखिए मैं आपको अदिति एक चीज कहना चाहूँ कि हर चीज को 35A से जोड़ के देखा नहीं जाना चाहिए। 35A कमिटमेंट है, 370 लीगल डिबेट भी है, 35A लीगल डिबेट भी है। लेकिन अगर हम हर चीज हर कदम को 35A से जोड़ के देखेंगे तो इससे कश्मीर की घाटी में हड़कंप का माहौल। पीएम मोदी की अटल प्रतिज्ञा, राष्ट्र की सुरक्षा के लिए ना किसी के दबाव में काम होगा, न प्रभाव में और न ही किसी अभाव में। मोदी की प्रतिज्ञा से बेचैन महबूबा, 35A से छेड़छाड़ की तो हाथ नहीं जिस्म भी जलेगा। अब सवाल यह है कि पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने मोदी सरकार को यह खुली धमकी क्यों दी?
तो ये जानने से पहले आपको ये समझना जरूरी है कि महबूबा ने ये धमकी कहां और कब दी। असल में रविवार को पीडीपी ने अपना स्थापना दिवस मनाया। स्थापना दिवस समारोह में पार्टी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने पीडीपी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इसी दौरान महबूबा मुफ्ती ने 35 ए का मुद्दा उठाया और मोदी सरकार को धमकी दी। जिस लड़ाई के लिए हम तैयारी कर रहे हैं उस लड़ाई में महबूबा मुफ्ती को भी अंदर डाल सकते हैं। घबराना नहीं, जम्मू कश्मीर की आइडेंटिटी को, जम्मू कश्मीर के 370 को पीडीपी जो है आखिरी दम तक लड़ेगी। उन्होंने शायद ये भ्रम पाला हुआ है कि उनकी गीदड़ भभकियों के सामने ये देश, उसकी सरकार झुक जाएगी। वो दिन लद गए। महबूबा के इस बयान की जवाब पड़ताल करेंगे तो पाएंगे कि वो असल में एक तीर से कई निशाने साध रही हैं, क्योंकि महबूबा की ये बेचैनी तब से ज्यादा बढ़ गई है जब से उन्हें मालूम चला है कि गृह मंत्रालय ने कश्मीर को आतंकी हमलों से बचाने के लिए सुरक्षा बलों की अतिरिक्त 100 कंपनियां भेजने का फैसला किया है। अब राष्ट्रहित में गंभीर सवाल क्या उठ रहे हैं वो समझिए। क्या महबूबा मुफ्ती 35 ए पर अफवाह फैलाने का काम कर रही हैं? क्या महबूबा मुफ्ती 35 ए के बहाने कश्मीरियों को भड़काने का काम कर रही हैं? क्या महबूबा मुफ्ती जानबूझकर 35 ए के बहाने सेना का विरोध कर रही हैं? क्या आतंकवादियों के एनकाउंटर में अड़ंगा डालने के लिए महबूबा ने 35 ए वाला सियासी नाटक रचा? और क्या पाकिस्तान को खुश करने के लिए महबूबा ने सुरक्षा बलों की अतिरिक्त तैनाती का विरोध किया? अपने देश के से पैरामिलिट्री फोर्स से डर क्यों लगता? आतंकवादियों को डर लगना चाहिए, न कि मुल्क से मोहब्बत करने वालों को। कोई डरने की जरूरत नहीं है। हैरानी होती है, जब देश कारगिल विजय दिवस के 20 साल मना रहा था तब यही महबूबा मुफ्ती सेना के पराक्रम पर एक शब्द नहीं बोली, और जब कश्मीर को आतंकवादी हमलों से बचाने के लिए केंद्र सरकार ने सुरक्षा बलों की अतिरिक्त तैनाती का फैसला किया तो खुलकर विरोध करने लगी, कश्मीरियों के हित से पहले अपना हित देखा। जो लोग विकास की राह में नफरत फैलाना चाहते हैं, अवरोध पैदा करना चाहते हैं, वो कभी अपने नापाक इरादों में कामयाब नहीं हो सकते। महबूबा मुफ्ती हो या अब्दुल्ला परिवार, कश्मीर में सुरक्षा बलों की अतिरिक्त तैनाती पर सियासत करने से पहले इन्हें ये बात मालूम होनी चाहिए कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवल हाल में ही जम्मू कश्मीर के दौरे पर थे। बुधवार को उन्होंने अमरनाथ में पवित्र शिवलिंग के दर्शन किए थे। इस दौरान उन्होंने जम्मू कश्मीर में आतंकी हमलों के अलर्ट को देखते हुए हाई लेवल मीटिंग की। इस मीटिंग में जम्मू कश्मीर पुलिस, आईबी, सीआरपीएफ, बीएसएफ और सेना समेत 8 दूसरी एजेंसियां शामिल थी, और इस मीटिंग की डिटेल गृह मंत्रालय को सौंपी गई। इसी के बाद गृह मंत्रालय ने सुरक्षा बलों की अतिरिक्त तैनाती का फैसला किया। जाहिर है बात कश्मीर की सुरक्षा की है, लेकिन इसे दरकिनार करते हुए महबूबा मुद्दे पर सियासी रोटी सेक रही है, जिसे अब कश्मीर के लोग नहीं बल्कि पूरा देश भी समझ। गांव में बड़ी सुरक्षा बैठक। जी हाँ, रेलवे सुरक्षा बल की बैठक में घाटी के हालात पर चर्चा हुई है। बैठक में सुरक्षा एजेंसियों के इनपुट के बाद जो इंतजाम है सुरक्षा से जुड़े हुए उन्हें एनालाइज किया गया है। ज्यादा डिटेल्स के लिए रुक कर लेते हैं जी मीडिया संवाददाता कार्तिकेय शर्मा का। कार्तिकेय, और क्या डिटेल्स है? देखिए, एक सुरक्षा बैठक हुई थी। सुरक्षा बैठक में चीजों का जिक्र हुआ, जिसमें कहा गया कि अगर लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम आती है तो क्या क्या कदम उठाए जाने चाहिए, किन किन चीजों की जानकारी लेनी चाहिए, क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी चाहिए, क्या किया जाना चाहिए, क्या नहीं किया जाना चाहिए। मैं आपसे बोलूंगा कि इस तरह की कई बार रूटीन मेजर्स होते हैं, जिसे बोला जाता है कि आप अपने इंफ्रास्ट्रक्चर का ध्यान रखें, अपने फिजिकल एसेट्स का ध्यान रखें। आप अगर कहीं आपको लगे लॉ एंड ऑर्डर की परेशानी हो रही हो